सैंडविच, वाओ। बट मैं तो डाइटिंग पे हूँ। इट्स ओके, अगर आप डाइटिंग पे हैं फिर भी सैंडविच खा सकते हैं। वेट लॉस के लिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ सैंडविच, सिंपल इंग्रेडिएंट्स की है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो डोंट वरी, आप वेट लॉस करते वक्त भी सैंडविच इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। आधा कैप्सिकम यहाँ पे मैंने जितना हो सके बारीक काट लिया है, साथ ही आधा टमाटर बहुत ही बारीक काट लीजिए, आधा ले लीजिए प्याज जितना हो सके बारीक काट लें, आधा नींबू का रस डाल दीजिए और उसी के साथ एक मिर्च ली है, तीखी नहीं है इसलिए मैंने एक ली है। एक चम्मच दही ले रही हूँ, ये दही मैंने कॉटन के कपड़े में आधे घंटे के लिए बांध के टांग दिया था, हैंग किया था, तो ये दही हम एक चम्मच लेंगे। तो ये ज़रूर डालें आप, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, इससे सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। साथ ही डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, साथ ही लेंगे दो चुटकी हींग और इसे अच्छी तरह से हम सबसे पहले मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जो भी सब्ज़ियाँ वेट लॉस में अलाउ हैं वो सब्ज़ियाँ आप यहाँ पे बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। सैंडविच की स्टफिंग तैयार है, देखते हैं सैंडविच कैसे बनाना है। तो ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड ही लीजिए क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं। मैदे वाला वाइट ब्रेड बिल्कुल भी ना लें और इस पे स्टफिंग अच्छी तरह से भर दीजिए और उसके बाद ये जो दूसरा ब्रेड है वो हम उसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा सैंडविच बन गया है, देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तवा गरम करने रख दिया था, तवा गरम हो चुका है। तो ये देखिए ना के बराबर बस इस पे घी डाल दीजिए या फिर बटर, बिल्कुल ना के बराबर, और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे गरम कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तो इसकी ऊपर साइड भी ना के बराबर घी लगाइए, बिल्कुल ना के बराबर। तो इसे इस तरह से भी आप गरम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। और ये सैंडविच पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो ज़रूर ज़रूर आप इसे लिए ब्रेकफास्ट में लीजिए, और अगर डाइटिंग नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। कोरोना है तो घर पर रहिए, सेफ रहिए।